Hello, welcome students, welcome again. हम लोगों की first paper की first unit में तीन main topic है, meaning, nature and scope of education, education and science as science or art, and formal, non-formal and informal education. जिसमें से हम लोग meaning, nature and scope of education पर बात कर चुके हैं, एजुकेशन एट साइंस और आर्ट पर भी बात कर चुके हैं. बस हमारा टॉपिक कौन सा रह गया था, फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना. तो ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है. हमको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ स्कूल कॉलेज में जाकर ही नहीं सीखते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं, जिनसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होते हैं. इसलिए शिक्षित होने के तरीकों को तीन भागों में बांटा गया है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की. फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि नाम बता रहा है, फॉर्मली मतलब उस लिए बनाया गया है कि हम जाएं और शिक्षा ग्रहण करें. सुनिए क्या है ये. फॉर्मल एजुकेशन इज द वन दैट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क सेट बाय इंडिविजुअल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन. जैसे कि आप जानते हैं कि ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ये सब इंडिविजुअल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन है जो कि प्रॉपरली सेट किए गए हैं. उन्होंने अपना फ्रेमवर्क सेट किया है कि वो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. द ऑर्डरली लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स educational institutions, classrooms, specially trained teachers, teaching equipment, extracurricular activities, competitions, examinations and a curriculum or syllabus. मतलब कि ये जो orderly, मतलब एक order है इसका, haphazard नहीं है formal education, जिसका ordered learning environment है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है. जैसे कि educational institution होना जरूरी है formal education में. ऐसा नहीं है कि बिना किसी building के आप formal education बिना किसी institution के ग्रहण कर सकते हैं. क्लासरूम होगा जरूर, स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स, कोई भी आकर फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाकर नहीं जा सकता, उसके लिए उसको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए. टीचिंग इक्विपमेंट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इन लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज हैव टू बी देयर. ठीक. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ जाएंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, खत्म. यानी कि कुछ ना कुछ और हम साथ करते रहते हैं, बहुत सारे डेट सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा पीटी, योगा, स्पोर्ट्स, बहुत कुछ चलता रहता है स्कूल कॉलेजेस में. तो वो भी इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है. कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एग्जामिनेशंस एंड एक करिकुलम और सिलेबस. यानी कि आपको कोई ना कोई परीक्षा देनी होगी और किसी ना किसी सिलेबस को फॉलो करता होगा वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन. यानी इतना सब कुछ जब मिलेगा तब फॉर्मल एजुकेशन बनेगा. इसके अलावा क्या, फॉर्मल एजुकेशन एज द नेम सजेस्ट्स इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर एज प्रॉपर गाइडलाइंस आर लेड एंड द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर दीज गाइडलाइंस. यानी कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है फॉर्मल एजुकेशन, जरा सा भी आप हिल नहीं सकते. कैलेंडर, आपका एकेडमिक कैलेंडर पहले से दे दिया जाता है प्रॉस्पेक्टस में कि इस दिन छुट्टी रहेगी, या तब आपका टर्म एग्जामिनेशन होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, एंड सेम एग्जामिनेशन होगा. ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है और हमको आपको उसको फॉलो करना होता है, उन गाइडलाइंस को. ठीक. अच्छा, फिर फॉर्मल एजुकेशन इज फॉलोड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर कोर्सेज दैट फॉलो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोर्स वर्क, है ना. कि हम, आप कहीं बीएड चल रहा है, कहीं बीएससी, कहीं बीए, एमए, एमएससी, लॉ चल रहा है, कहीं जो भी कोर्स वर्क हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका हम एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो करते हैं. सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज. कुछ विशेष गुण कौन से हैं, जैसे ए प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली डिजाइंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द हायरार्की इज फॉलोड. हमारे क्रोनोलॉजिकली डिजाइन स्ट्रक्चर, जैसे कोर्स में भी हम पहले यूनिट 1 पढ़ते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, है ना. ऐसा तो नहीं कि यूनिट 5 से पहले शुरू कर देते हैं, या ये तो छोटा सा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. हर चीज में हम एक क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं. पहले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, फिर एनुअल एग्जामिनेशन होता है ना, इस तरीके से. सिलेबस एंड बुक्स आर असाइंड करेक्टली. हमको हमारे सिलेबस में लिखा रहता है कि आपको ये बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स हैं, आपको ये पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या, सब कुछ पहले से और असाइंड है और चिन्हित है जिसको हमको फॉलो करना होता है. द शेड्यूल इज मेंटेन एंड फॉलोड. शेड्यूल मेंटेन और फॉलो किया जाता है. रेगुलर एग्जाम्स एंड टेस्ट्स आर कंडक्टेड. नियमित रूप से आपकी परीक्षाएं होती हैं, आपके टेस्ट लिए जाते हैं. फी आर अप्लाइड एंड द स्टूडेंट्स वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए कोई ना कोई फी निर्धारित होती है, शुल्क आपको भरना होता है. और एक
मतलब अनुशासित हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं और फिर उसमें पढ़ाई करते हैं। अच्छा, इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, कुछ लाभ हानि हैं, क्या है? वर्क टूवर्ड्स इंस्टीलिंग टेक्निकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ टेक्निकल एम्प्लॉयबल स्किल्स या रीडिंग लिटरेरी स्किल्स अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करेंगे। ए प्रॉपर शेड्यूल हेल्प्स इन डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल, क्योंकि बहुत हमारा शेड्यूल्ड है, हम डिसिप्लिनड वे में रहते और रखते हैं आप लोगों को, इसलिए हमारा गोल होता है कि आपको एक कॉमन गोल, मतलब कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिनड हों, उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, उनके अंदर सफाई को लेकर अवेयरनेस हो, वो पॉल्यूशन के प्रति कंसर्न रहे, तो ये सब जो कॉमन गोल्स हैं उनकी प्रतिपूर्ति की दिशा में हम कदम प्रोसीड करते हैं। टीम वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स गेट डेवलप्ड, यानी कि चूंकि क्लासरूम एक सोशल ग्रुप हो जाता है छोटे, ओवरऑल स्कूल एक सोशल सेटअप हो जाता है, इसलिए टीम वर्क और सोशल इंटरेक्शन की स्किल्स भी डेवलप की जाती हैं। ए सर्टिफाइड कोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, हमको इस फॉर्मल एजुकेशन के एग्जामिनेशन के पश्चात हमको एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि बाकी इंस्टीट्यूशंस द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एजुकेशन इज ऑब्टेन्ड अंडर द प्रोफेशनली ट्रेन्ड एजुकेटर्स, है ना, यानी कि जो एजुकेटर्स आपको हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड होने चाहिए। फिर कुछ इसकी हानियां भी हैं, कुछ इसके संग ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या है? स्टूडेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एटसेट्रा, जैसे चूंकि बहुत सारे लोगों से हम लोग घिरे हुए होते हैं, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा स्टाफ, हमारा नॉन टीचिंग, हमारा टीचिंग और भी बहुत तरीके के लोग, तो हो सकता है कि हम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित हो जाएं। फिर एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज एंड कीपिंग एवरीवन टुगेदर अंडर टिपिकल कोर्स वर्क कैन बी डिसएडवांटेजियस टू स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब वो जो एवरेज स्टूडेंट्स है, वो जो ब्राइट नहीं है, वो जो डल नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए तो सब बढ़िया चलेगा, क्योंकि वो आएगा, नियमित समय पर पढ़ेगा, नियमित समय पर परीक्षा होगी, नियमित समय पर सर्टिफिकेशन लेकर चला जाएगा। लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट है उसको ये इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स वर्क और इतनी इसी गति से पढ़ना नहीं समझ में आता है, वो जल्दी जल्दी समझ आता है, उसको बोरिंग लगने लगता है, फिर उसका मन नहीं लगता है। उसी तरीके से जो डल स्टूडेंट है उसके लिए लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से भाग रहा है और वो उसको कैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनके लिए ये पद्धति हानिकारक है। फिर द कॉस्ट इनकर्ड एंड द रिसोर्सेज यूज्ड कैन कम आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना हम इसमें मतलब पैसा लगा रहे हैं, कॉस्ट हमारी जितनी जा रही है वो कभी कभी लॉन्ग रन में बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकती है, यानी कि पैसे के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा है। ठीक, फिर बात आती है इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन, देखो जैसे नाम से स्पष्ट है कि फॉर्मली एंड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब हम कुछ भी फॉर्मल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, हम कोई सिलेबस नहीं फॉलो करेंगे, हम कोई डिसिप्लिनड वे में नहीं सीखेंगे, हमारा कोई रेगुलर सेटअप नहीं होगा, कुछ शेड्यूल्ड नहीं होगा, लेकिन तब भी सीखते तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम जिस दिन स्कूल जाना शुरू करते हैं, विद्यालय जाना शुरू करते हैं, महाविद्यालय जाना शुरू करते हैं उस दिन और जिस दिन से निकल आते हैं उसके बाद हमारी शिक्षा बंद हो जाती है। हम तो जानते हैं ना, जॉन डीवी ने क्या कहा, एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि हमको प्रत्येक दिन सीखना है, हर रोज हम सीखते हैं, तो जो बाकी सब कुछ सीख रहे हैं, जो स्कूल जाए बिना सीख रहे हैं, कॉलेज जाए बिना सीख रहे हैं, जो घर परिवार में सीख रहे हैं, वो सारा कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन इज द टाइप ऑफ नॉलेज दैट वन गेन्स थ्रू सेवरल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमको जीवन में जितने अनुभव हुए हैं उनसे हमने जो ज्ञान हासिल किया है वो सब कुछ हमारा इनफॉर्मल शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, इंडिविजुअल नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी, वो जरूरी स्किल्स, वो जरूरी कौशल जो हमको जीवन जीने के लिए आवश्यक है, कैसे हमको खाना खाना है, कब हमको पानी पीना है, हमको कितना नहाना धोना, ब्रश, और ये सब सारी चीजें जो हमको स्कूल नहीं सिखाता है, मतलब स्कूल भी सिखाता है इन जनरल थोड़ा बहुत, लेकिन उसका मेन इम्फेसिस किस पे रहता है, अपना कोर्स, जो उसका करिकुलम है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ
जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो सीखी जा रही है, वो सब कुछ अनुभव के अंतर्गत आती है। ठीक, इट डज नॉट कंटेन द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द बुक्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो बुक स्कूल है वो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है और इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल एजुकेशन हमको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है। लर्निंग टू ड्राइव, कुक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, है ना। कोई सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को मतलब बरका कुकिंग आता है ना, लेकिन हर आदमी कुकिंग क्लासेस में तो नहीं जाके सीखता है, उसने सीख लिया अपनी माँ से, अपने घर में जो भी खाना बनाने वाला था उसे धीरे 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 अनुभव करते, ऑब्जर्व करते, इमिटेट करके उसने सीख लिया। ठीक, उसी तरह से ड्राइविंग वगैरह भी, हर आदमी ड्राइवर क्या जो ड्राइविंग सिखाते हैं उनके पास जाके नहीं सीखता है, अपने पापा से, अपने जो भी उसके घर में वो बैठा हो और गाड़ी चला रहा हो, देखते देखते ऑब्जर्व करते करते जो सीखना चाहता है वो सीख जाता है, जो नहीं सीखना चाहता है वो ड्राइविंग स्कूल जाके भी नहीं सीख पाएगा। फिर द मोस्ट एक्सीलेंट टीचर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज एक्सपीरियंस, यानी कि हमारी जो इनफॉर्मल शिक्षा पद्धति है उसका जो सबसे बढ़िया टीचर है वो कौन है, अनुभव, जो हमको अनुभव मिल रहे हैं, जो हमको रोज सिखाते हैं, रोज मैच्योर करते हैं। ठीक, फिर इसके कुछ विशेष गुण क्या है, फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें कोई नियम पद्धति इस तरीके की फॉलो नहीं हो रही है, नेवर ऑर्गेनाइज्ड, ये संगठित नहीं, स्पॉन्टेनियस रूप से हम सीख लेते हैं, कोई इसके लिए हमको विशेष विशेष अनुबंध, विशेष हमको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि हम आज नहा धो के किचन में जाएंगे और देखेंगे मम्मी क्या बना रही है, वो हम सीखेंगे, हम रोज उनके संग रहते हैं और वो अनकॉन्शियसली हम सीखते रहते हैं। फिर नो फॉर्मल करिकुलम, इसमें कोई ऐसा करिकुलम नहीं है जो किसी बोर्ड से डिजिग्नेटेड हो, डिजाइंड हो और हम उसको फॉलो करें, नो। डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई, हम इसको आंकड़ा नहीं दे सकते कि आज हमने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, ये बहुत मुश्किल है। और वर्ल्ड इज क्लासरूम हियर, यहाँ पे हमारी कक्षा क्या है, संसार ही हमारी कक्षा है और अनुभव ही हमारा शिक्षक है और हम सब कुछ इसके अंतर्गत सीख रहे हैं। ठीक, अच्छा, फिर इनफॉर्मल लर्निंग में इंक्लूड लर्निंग एक्टिविटीज दैट अकर इन द फैमिली, यानी कि वो सब हमारे जो परिवार में घटित हो रहा है वो सब हम इसमें सीखते हैं। इन द वर्क प्लेस, इवन वर्क प्लेस पे, इन द लोकल कम्युनिटी, हमारे लोकल एरिया में, एंड इन डेली लाइफ, और रोज प्रत्येक दिन जीवन में, और ए सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि हमने खुद से निर्देशित किया अपने आप को, फैमिली डायरेक्टेड, या हमारी फैमिली ने कहा कि नहीं तुम ये देखो सीखो, तुम्हें सीखना चाहिए, या सोशली डायरेक्टेड बेसिस, या समाज कहता है कि हमको ये सब चीजें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो सब कुछ इनफॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत आती है। ठीक, अच्छा, जब सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया है तो कुछ इसके संग दिक्कत है क्या, है। The main disadvantage of informal education is that there is no certification for the skill earned, hence useless for getting job. क्योंकि आजकल सब कुछ जो सीखा जा रहा है वो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि हमको नौकरी मिल जाएगी कि नहीं, जॉब के लिए क्या इसके ऑफर्स हैं। तो चूंकि हम बहुत कुछ भी सीख जाते हैं लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए जॉब हंटिंग के लिए हमारा ये सारा स्किल बेकार है। फिर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड अस, हेंस वन कैन लर्न रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स टू, क्योंकि सोसाइटी में और हर जगह वर्क प्लेस पे हम गलत लोगों से भी घिरे हो सकते हैं, इसलिए हम ये भी है कि हम गलत सीख जाए, यानी मिस लर्निंग हो जाए, मिसकंसेप्शन हमारे अंदर बन जाए, ये भी पॉसिबल है थ्रू इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब इनफॉर्मल जो है वो क्या है, पूरी तरीके से लूजली स्ट्रक्चर्ड है, और फॉर्मल क्या है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, और इन दोनों के बीच में हमारा लाइक करता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ना ही इनफॉर्मल जितना लूज है और ना ही फॉर्मल जितना टाइट है। ओके, तो क्या है ये, नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम, यानी कि हमारा जो औपचारिक विद्यालय, हमारा जो सिस्टम या प्रणाली है उससे ये बाहर लाइक करता है। तो क्या है ये, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म्स सच एज कम्युनिटी एजुकेशन, यानी कि जो हम पास पड़ोस में सीख रहे हैं, कम्युनिटी से सीखते हैं वो, या एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट आया था ना बीच में कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, उनको शाम को कक्षाएं चलाई जाए ताकि अपनी अपनी जॉब में करने के बाद वो आए और एडल्ट एजुकेशन मतलब कि उसमें पढ़ सके, तो वो सब कुछ आता है नॉन फॉर्मल में, क्योंकि वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, हो भी नहीं सकता बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग हिज जॉब, और थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है वहां पे। फिर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, सेकेंड चांस एजुकेशन, यानी कि हम विद्यालय से बाहर जो कुछ सीख रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल से अलग है ये, उसके लिए ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, बस उतना फिक्स्ड नहीं है, उतना रेगुलर नहीं है, उतना डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मल से फर्क हो जाता है। फिर जैसे स्काउट गाइड प्रोग्राम्स चलते हैं, सेवरल फिटनेस प्रोग्राम है, सब इसके अंतर्गत आते हैं, है ना।
फिर लर्निंग विच इज इम्बेडेड इन प्लान्ड एक्टिविटीज नॉट एक्सप्लिसिटली डिजाइनेड एज लर्निंग, यानी कि इस यहाँ पे भी हमने प्लानिंग की है। स्काउट गाइड प्रोग्राम ऐसा नहीं कि बिना प्लानिंग के चल रहा है, फिटनेस प्रोग्राम के लिए भी प्लानिंग की गई है कि क्या सिखाया जाएगा, किस दिन क्या सिखाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, लेकिन हमने इसको उस दिशा में प्लान नहीं किया है कि हम लर्निंग को लेके नहीं चले कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग टाइम और लर्निंग सपोर्ट जो है हमारा उतना नियमित और उतना संकुचित नहीं, उतना मतलब स्पेसिफिक नहीं, उतना विशिष्ट नहीं है यहाँ पे। फिर एडजस्टेबल टाइम टेबल एंड सिलेबस, यानी कि यहाँ पे जो टाइम टेबल है और जो हमारा सिलेबस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। नो एज लिमिट फॉर इंडिविजुअल, हाँ लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि 30 साल का बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ेगा, है ना, तो फिर आप उसे कहा जाएगा एडल्ट एजुकेशन क्लासेस में जाइए। तो यही भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। और प्रोफेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट, जैसे आपको फिटनेस प्रोग्राम या इस तरीके का प्रोग्राम अगर हम शिक्षा लेंगे तो ये हमको प्रोफेशनल स्किल्स देगा, ठीक है। अच्छा फिर सॉरी, यूनेस्को ने 2010 में कहा है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 2010 क्या कह रहा है वो, कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेल्प्स टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल एजुकेशन से छूट गए हैं उनको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में शिक्षा दे रहे हैं, तो इक्वल एक्सेस में हेल्प करता है, कि जिन सब तक पहुंचाने में हेल्प करता है शिक्षा को। इरिडिकेट इलिटरेसी अमंग विमेन, जो महिलाएं हैं जो ज्यादातर अशिक्षित है, असाक्षर है, उनकी असाक्षर दूर करने में मदद करता है। एंड इम्प्रूव विमेन्स एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। और जो महिलाओं की पहुंच है कहां तक, जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग है, विज्ञान, तकनीकी और सतत चलने वाली शिक्षा में महिलाओं की पहुंच को सुधारता है, है ना। और तो फिर बहुत बढ़िया है ये भी, लेकिन कोई क्या दिक्कत है? यस, दिक्कत भी है। अ स्टूडेंट मे रिसीव डिग्री और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बट ही डज नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज इन फॉर्मल सिस्टम, यानी कि हम नॉन फॉर्मल सिस्टम से पढ़कर निकले हैं तब भी हमारे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन हम उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है कि उस तरीके का कॉन्फिडेंस बंदा बच्चा ना अनुभव करे जैसा कि वो फॉर्मल सिस्टम में पाता है, बिकॉज लेस फ्लेक्सीबल सॉरी लेस शेड्यूल है, लेस डिसिप्लिन है, तो उसी तरीके का हमको आउटपुट में भी अंतर देखने को मिलता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम तीन तरीकों से सीख रहे हैं, फॉर्मली एजुकेट हो रहे हैं, नॉन फॉर्मली एजुकेट हो रहे हैं और इनफॉर्मली एजुकेट हो रहे हैं, ठीक। और जिसमें कि नॉन फॉर्मल जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लगभग बीच की कड़ी है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा फिर कुछ अपने आप से भी पढ़िए, मैंने बेस बता दिया आपको, अब आप स्वतंत्र हैं उसको बहुत कुछ ढूंढ के और बढ़ा के या समझ के और अपनी समझ इंक्लूड करते हुए लिखने के लिए, ठीक है। चलिए।